ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग वच्चे चर्चा। भारत चीन ना संबंधों ने सुधारवा चर्चा कराई। पूर्वीय लद्दाख नी बॉर्डर पर शांति स्थापवा चर्चा। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वच्चे थई चर्चा। भारत ना विदेश सेक्रेटरी विनय क्वात्राए मीडिया ने माहिती आपता कहू पूर्वीय लद्दाख नी बॉर्डर ना प्रश्नों ना उकेल माटे प्रयासो। बन्ने देशों ना अधिकारी करशे प्रयास। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी और शी जिनपिंग वच्चे टूंकी मुलाकात महत्वनी। वडाप्रधान मोदी नू ग्रीस ना एथेंस में भव्य स्वागत। ग्रीस ना वडाप्रधान किरियाकोसे पीएम मोदी नू उमड़का भेर स्वागत करी। 40 वर्ष बाद कोई भारतीय वडाप्रधान ग्रीस ना प्रवासे। पीएम मोदी पहला इंदिरा गांधी ग्रीस ना प्रवासे गया था। ग्रीस ना एथेंस नी होटल बहार वडाप्रधान मोदी भारतीय परिवारों ने मळ्या। भारत माता की जय ना नारा साथे एथेंस गूंजी उठ्यु। पीएम मोदी भारतीय परिवार ना बाळको अने परिवारजनों साथे वार्तालाप कर्यो। पीएम मोदी और ग्रीस ना पीएम किरियाकोस साथे द्विपक्षीय बैठक थशे। बन्ने देशों ना संबंधों वधु मजबूत करवा अंगे चर्चा थशे। बन्ने देशों वच्चे अनेक करार पर हस्ताक्षर थई शके। 40 वर्ष में पहला भारतीय वडाप्रधान ग्रीस की मुलाकात पहुंचा। 1983 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ग्रीस की मुलाकात ली थी। ग्रीस ना पीएम ना निमंत्रण पर पीएम मोदी ग्रीस ना प्रवासे। ग्रीस की आ मुलाकात खूब अगत्य। ग्रीस और भारत वच्चे व्यापार टेक्नोलॉजी से लेने संरक्षण सहयोग पर चर्चा थशे। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार ग्रीस लांबा समय थी भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदवामां रस दाखवी रह्युं छे। आवी स्थिति में पीएम मोदी ना ग्रीस प्रवास पर भारत नुं ब्रह्मास्त्र कहेवाता ब्रह्मोस मिसाइल मेळववा माटे डील थई शके। अमेरिकाना पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पे फुलटन काउंटी जेल में सरेंडर कर्यु। चूंटणी में गैररीति बदल एटलांटा में ट्रम्प नु सरेंडर। सरेंडर में 20 मिनिट में ज ट्रम्प बाहर आ गया था। 2 लाख डॉलर ना बॉन्ड पर ट्रम्प ने मुक्त कराया। औपचारिक रीते ट्रम्प की धरपकड़ करवामां आवी। चंद्रयान 3 चंद्रना दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग। चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर बहार आवतो वीडियो शेयर कर्यो। इसरोए वीडियो ट्विटर पर शेयर कर्यो। चंद्रना दक्षिण ध्रुव पर मानव वसवाट शक्य थई शके। इसरोना चेयरमैन एस सोमनाथे आप्यु मोटू निवेदन। दक्षिण ध्रुव पर वैज्ञानिकों ने छे वधारे रस। इसरो चीफ एस सोमनाथे कह्यू मानस चंद्र पर वसवाट करवा मांगे छे। दक्षिण ध्रुव पर वसवाट माटेनी संभावना वधारे। दक्षिण ध्रुव में रिसर्च माटेना लाभ वधारे। वडाप्रधान मोदी आज ग्रीस थी बेंगलुरु जशे। पीएम ग्रीस थी दिल्ली नहीं सीधा ज बेंगलुरु जशे। वडाप्रधान मोदी इसरोना वैज्ञानिकों साथे मुलाकात करी शुभकामना पाठवशे। चंद्रयान 3 ना सफल उतराण माटे अभिनंदन पाठवशे। जयपुर में इलेक्ट्रिकल टेक्निकल कामदारों विरोध नोंधाव्यो। कामदारों अनेक मुद्दाओं ने लेने विरोध नोंधाव्यो। मोटी संख्या में कामदारों एकठा थया। बिहारना भागलपुर में नदीओए सर्जी ताराजी। गंगा नदी वधता प्रवाह थी झूंपड़ी धराशायी थी। नौगाजिया में गंगा नदी ने किनारे बनेली झूंपड़ी धराशायी। नदी तेज प्रवाह में नीचे थी माटी धोवाई जता घटना बनी। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में भूस्खलन। भूस्खलन ने कारण अनेक रस्ताओ धोवाया। रस्ता ने नुकसान थता वाहन व्यवहार ठप थयो। भारे वरसाद बाद हिमाचल में ठेर ठेर भूस्खलन। हजू आज नो दिवस भारे वरसाद नी चेतवनी। हिमाचल प्रदेश मंडी में वादळ फाटता ताराजी सर्जाई। मंडी गामों में अनेक लोग फसाया। एनडीआरएफ की टीमें 51 लोगों ने रेस्क्यू करू। भारे पानी ना प्रवाह वच्चे 51 लोगों ने सलामत खसेड़ाया। दोरडा बांधी घूंटण समा पानी में लोगों ने रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में वरसादी सर्जी ताराजी। वरसादी कहर ना कारणे 36 कलाक में 12 लोगों ना मौत थया। 36 कलाक में 4 स्थले फ्लैश फ्लड की घटनाओ बनी। अनेक स्थले भूस्खलन थता रस्ताओ धुवाया। शिमला मंडी सोलान में भारी थी अति भारी वरसाद।
शिमला में अति भारे वरसादे 122 वर्ष नो रेकॉर्ड तोड़ियो। भूस्खलन ना कारणे अनेक मकानो तूटी गया, मार्गो धोवाता 700 थी वधु रस्ताओ बंद करवामां आव्या, अनेक स्थले वाहन व्यवहार खोरवायो। आज नो दिवस हिमाचल में भारे वरसादनी आगाही। उत्तराखंड में वरसादे सर्जी ताराजी, वरसाद ने कारण कोटद्वार थी 8 किलोमीटर पौड़ी नेशनल हाईवे बंद करवामां आव्यो। काटमाळ अने पत्थरों कारण नेशनल हाईवे जर्जरे, तेमज नरेन्द्रनगर बगदरा में हाईवे पण बंद करायो। भारे वरसाद ने कारण ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 4 दिवस थी बंद। हवामान विभागे हजू पण 6 जिल्लाओं में वरसाद नो येलो एलर्ट जाहिर कर्यो। गाजवीज साथे भारे वरसाद नी शक्यता, देहरादून पौड़ी नैनीताल सहित में आगाही। 27 ऑगस्ट बाद भारे वरसाद थी राहत नी आशा। उत्तराखंड में चमोली में वरसादे ताराजी सर्जी, गंगा अने यमुनाना पाणीना प्रवाहमां फसाया लोको, जोशीमठमां फसायेला लोकोनुं रेस्क्यू, एसडीआरएफनी टीमे अनेक लोकोनुं रेस्क्यू कर्युं। राज्यमां 5 दिवस भारे वरसादनी शक्यता नहिवत, 2 दिवस सौराष्ट्रमां हळवा वरसादनी आगाही, 2 दिवस बाद सूकुं वातावरण रहेशे, तेमज 24 कलाकमां राज्यमां छूटो छवायो वरसाद वरसशे। सूरत, नवसारी, डांग, वलसाड अने तापी में हळवो वरसाद रहेशे, तो अमदावाद अने गांधीनगर में छूटो छवायो वरसाद रहेशे, तेमज उत्तर गुजरात में सूकुं वातावरण रहेशे। राज्य में सीजन नो 94% वरसाद वरसे। हवामान निष्णात अंबालाल पटेल की आगाही, वरसाद खेंचाता खेडूतों ने चिंता वधी छे, वरसाद में विलंब होवाथी खेडूतों ने पियत करवा सूचना, वरसाद खेंचाता खेडूतों ना पाक ने नुकसान थई शके। 24-25 અને 26 ઓગસ્ટ સુધી છૂટો છવાયો વરસાદ રહેશે। 27 ઓગસ્ટ થી 31 ઓગસ્ટ સુધી દરિયાકાંઠે વરસાદ પડશે। 31 ઓગસ્ટ બાદનો વરસાદી પાણી ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક રહેશે। સપ્ટેમ્બર મહિનામાં બે સ્ટ્રોમ બનશે। 10-14 સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ પડી શકે છે। 23 સપ્ટેમ્બર બાદ ગરમી વધવાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી। ઓક્ટોબર મહિનામાં બંગાળના उपसागर में स्टॉर्म बनशे। स्टॉर्म ना कारणे नवा वर्ष थी वादळछायुं वातावरण रहेशे। भाजपनुं मतदान चेतना अभियान, सीएम भूपेन्द्र पटेले अमदावादना साइंस सिटी विस्तारथी चेतना अभियाननो प्रारंभ करावो। सीआर पाटिल सूरतथी अभियाननो प्रारंभ करावो। चेतना अभियान अंतर्गत अलग विस्तारमां कार्यक्रम। भाजपनुं मतदान चेतना अभियान, सीएम भूपेन्द्र पटेले अमदावादना साइंस सिटी विस्तारथी चेतना अभियाननो प्रारंभ करावो। सीआर पाटिल सूरतथी अभियाननो प्रारंभ करावो। चेतना अभियान अंतर्गत अलग विस्तारमां कार्यक्रम। खराब रोड रस्ताने लई कांग्रेसनो व्यंगात्मक कार्यक्रम, रस्तानुं समारकाम न थाय त्यां सुधी खाड़ा महोत्सव चालशे। वांसदामां खराब रोड रस्ताने लई कांग्रेसनो विरोध। नेशनल हाईवे नंबर 56 कांग्रेसे विरोध नोंधावी खाड़ानुं पूजन कर्युं। एमएलए अनंत पटेलनी हाजरीमां खाड़ा महोत्सव योजायो। खाड़ा महोत्सवमां प्रतिदिन एक खाड़ानी पूजा कराशे। भाजपना चूंटायेला काउंसिलरोए गांधीनगरना फेरा शुरू कर्या, ज्यारे मेयर पद माटे शीतल डागा, प्रतिभा जैन, चांदनी पटेलनुं नाम चर्चामां। 18 वर्ष महिला मेयर पद माटे अनामत रहेशे। કમિટીના ચેરમેન બનવા કોર્પોરેટર્સમાં થનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે। રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘની શિક્ષણ મંત્રીને રજૂઆત, 9 સંગઠનોના હોદ્દેદારોની શિક્ષણ મંત્રી સાથે બેઠક યોજાઈ। બેઠકમાં દરેક સંવર્ગોના પડતર પ્રશ્નોને લઈને શિક્ષણ મંત્રી સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ। जूनी पेंशन योजना 14% सरकार द्वारा कपात, मुद्दे रजूआत। प्रसूति की रजाओ सड़ंग गणवा मुद्दे रजूआत कराई। बदली करवा रेशियो जाड़वा सहित अनेक मुद्दे रजूआत। कलेक्टर आदेश बाद पाटण पालिकाए रखड़ता ढोर पकड़वानी कामगीरी हाथ धरी। धारासभ्य किरीट पटेल पण हाथ में दंडो लईने ढोर पकड़वा निकळ्या। 800 થી વધુ ઢોરનો જાહેર માર્ગ પર રડિંગો।
રાજકોટમાં સરકારની ગાઈડલાઇન્સનો માલધારી આગેવાનોમાં રોષ. ગુજરાતમાં લાખો માલધારીઓના વ્યવસાય પર જોખમ. સરકારે સંવાદ કર્યા વગર નિયમો બનાવ્યા હોવાનો માલધારીઓનો આક્ષેપ. સરકારની જાહેરાત માત્ર લોલીપોપ હોવાનો માલધારીઓનો દાવો. સરકારને આપવું કંઈ નથી, માત્ર જાહેરાત કરવી છે. ગૌચરની જમીન હજુ ખાલી કરાવવાની સરકારની માત્ર વાતો. ગૌચરને ખુલ્લું કરવા માલધારી વસાહતો બનાવવા માંગ. સ્માર્ટ સિટી વડોદરામાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ. મનપાની બેદરકારીને કારણે રસ્તા વચ્ચે ટેગિંગ કરાયેલા ઢોર રખડતા નજરે પડ્યા. કેટલાક ઢોરનું હજુ પણ ટેગિંગ કરાયું નથી. રખડતા ઢોરની માર્ગદર્શિકાને લઈને વડોદરા મનપા એક્શનમાં 27,000 રખડતા ઢોર, 18,000 થી 20,000 પશુઓને ટેગિંગ થયું. હજુ 7,000 પશુઓનું ટેગિંગ બાકી હોવાનું મનપાના સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષે નિવેદન કર્યું. સુરત શહેર અને ગ્રામ્ય પંથકમાં પશુઓની ગણતરીની કામગીરી પૂર્ણ. જિલ્લામાં 2,71,863 ગાય નોંધાઈ, 2,51,078 ભેંસ, 62,362 ઘેટા બકરા. પાલકો પશુપાલન કરીને ઉત્તમ આવક મેળવે તે માટે સર્વે. વર્ષો જૂના પડતર કેસો મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મોટો નિર્ણય. હવે 57 દિવસમાં જ કેસનો નિકાલ આવશે. વર્ષો જૂના પડતર કેસોનો નિકાલ ન આવતા હાઈકોર્ટે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. સપ્ટેમ્બરથી 27 ઓક્ટોબર સુધીમાં પડતર કેસોની સુનાવણી થશે. 13,998 જૂના કેસોનો ત્વરિત નિકાલ લાવવા આદેશ અપાયો. 9 લોકોને કચડનાર તથ્ય પટેલની મુશ્કેલીમાં વધારો. તથ્યને જેલનું જમવાનું જમવું પડશે. પ્રજ્ઞેશ પટેલ ઘરનું ટિફિન જમી શકશે. સુરતમાં વસંત ગજેરા જમીન વિવાદમાં પ્લોટ વિભાજન કરવા મંજૂરી ન લીધી હોવાનું સામે આવ્યું. લક્ષ્મી ટેક્સટાઇલ પાર્ક બનાવવા મોટો ખેલ. રહેણાંક માટેની જમીનમાં બનાવ્યું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક.